अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेहा रियल हॉन्टेड में। आज एक और न्यू हॉन्टेड लोकेशन पे आपका भाई पहुंचा है। ये लोकेशन दोस्तों के कहते हुए भी एक ही शर्म आती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। कलयुग है दोस्तों, कलयुग में हर चीज़ जायज़ है, जो करते हैं उनके लिए जायज़ है, बाकी हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं। इस लोकेशन पे जहां आज आपका भाई पहुंचा है, इस लोकेशन पे दोस्तों दो सच्चे दोस्त, जिनकी ऐसी दोस्ती का बचपन से दोस्ती, और कुछ चंद पैसों के लिए दोस्त ने दोस्त का गला घोटकर मार डाला। कुछ पैसों के लिए ऐसी लोकेशन पे आज मैं पहुंचा हूं। कहते हैं कि यही वो लोकेशन है जहां दो दोस्त, एक दोस्त के पास में हो सकता है 2-3-4-5 लाख रुपए थे, दूसरे दोस्त को जरूरत थी पैसों की, तो उसने कुछ बहाना करके यहां आए थे दोनों दोस्त, और पता नहीं क्या सेवन करवाया क्या नहीं, लेकिन जो स्टोरी मेरे को यहां की पता है, जो मैंने मालूम की है, तो उस दोस्त को कुछ खिला पिला के नशे की हालत में यहाँ बेमौत मौत दे दी गई। और उसके बाद में जो आसपास में लोग जो निकलते हैं उनको वो चीज़ दिखाई देती है, लेकिन परेशान नहीं करती है, और आगे चलने के बाद पता चलेगा कि वाकई में वो उसके दोस्त की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है या नहीं। लेकिन जो गांव वाले, क्योंकि ये घटना दोस्तों बहुत पुरानी है, 25-30 साल पुरानी, गांव वाले कहते हैं कि वो आत्मा किसी को नुकसान आज तक किसी को नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस दिन या तो वो बंदा या उस तरह का कोई इंसान जिस दिन इस लोकेशन पे इधर भटक गया, उसकी मौत निश्चित है। तो मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि आ जाओ भाई और चलते हैं सीधा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। आओ भाई, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, करीबन 11:30 के आसपास बजे हैं दोस्तों। कुछ आवाज़ आई थी, हो सकता है जंगल है, लेकिन दोस्तों 11:30 के आसपास हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो टाइम हुआ है वही बताऊँगा। और एक बार चारों तरफ घुमा के दिखा दो, पूरा जंगल है दोस्तों, एक छोटा सा रास्ता, छोटा सा पगडंडी है, ये जो आपको दिख रही है सामने की तरफ, यही वो रास्ता है। इसी रास्ते पे मुझे नहीं पता है कि वो घटना एक्चुअल में कहाँ हुई है इस रास्ते में, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि इसी रास्ते पे कहीं हुई है वो, हो सकता है यहाँ हुई हो, आगे हुई हो, वो चीज़ कहाँ दिखाई दे दे, हमारे साथ क्या हो जाए हमें भी नहीं पता है। हो गया, आगे हो, पूरी चीज़ कैप्चर करते हुए
कुछ जानवरों की आवाज़ें जरूर आ रही है दोस्तों, बाकी ऐसा कुछ अभी तक मुझे न तो दिखा है न कुछ एहसास हुआ। हाँ, जंगल है तो डर का जरूर है कि एक चीज मैं बताना भूल गया दोस्तों कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सत्य जो रियल घटना है उस पर ही बता रहा हूँ मैं आपको। और जिसकी मौत हुई और जो दोस्त था वो यही पास के गांव के रहने वाले थे, उधर भी दिखाओ एक बार। कुछ आवाज आई है उधर, हो सकता कोई जानवर हो। चावा रही है हमने देखा, वैसे बंद चुप चुप। कोई है यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ कोई है यहाँ पे? कुछ आवाज है भाई, हो सकता है कोई जानवर हो। कौन है यहाँ पे? क्या हम दो के अलावा कोई है यहाँ पे तीसरा? कुछ आवाज जरूर है दोस्तों, कुछ अजीब सी आवाजें हो सकती है, जानवर हो, बाकी अभी तक ऐसा कुछ। ओ ये कैसी आवाज है यार, अजीब सी आवाज है कोई। अच्छा, अजीब सी आवाज़ है।
कोई आत्मा, कोई भटकती आत्मा कोई है? अगर है तो सामने आए। कौन है यहाँ? मैं पूछ रहा हूँ कौन है? कोई भी आत्मा, भूत, पिशाच, डाकन, डाकिनी कोई भी हो तो सामने आए। कौन है उधर? उधर करना भाई। कौन है झाड़ियों के पीछे? मैं पूछ रहा हूँ झाड़ियों के पीछे कौन है? उधर करना तो कोई है जैसे। कौन हो तुम? और इधर भाई, उधर मैं पूछ रहा हूँ कौन हो आप? Oh no!